यूपी में कोरोना ने फिर पसारे पैर। योगी आदित्यनाथ सरकार ने उठाया बड़ा कदम। एक से आठवीं तक के स्कूल 24 से 31 मार्च तक बंद। 24 घंटे में सामने आए यूपी में 500 से ज्यादा केस। देश में एक बार फिर कोरोना ने तेजी के साथ पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। कोरोना के बढ़ते केसों को लेकर कई राज्यों में सख्त कदम उठाए गए हैं। इस बीच योगी सरकार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रदेश के स्कूलों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने प्रदेश में कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों को 24 से 31 मार्च तक बंद करने का आदेश दिया है। साथ ही कक्षा 9 से 12 तक के स्कूलों को 25 से 31 मार्च तक बंद रखने का निर्देश जारी किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार शाम को बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर ये निर्णय लिया। योगी सरकार का ये आदेश सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों पर लागू होगा। एक दिन में सामने आए 542 नए मरीज। दरअसल सोमवार को जारी स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 542 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि इसी अवधि में 177 मरीजों को उपचार के बाद घर भेजा गया। साथ ही पिछले 24 घंटे में एक मरीज की भी मौत हुई है। इससे पहले राज्य में अब तक 5,95,920 संक्रमितों को उपचार के बाद घर भेजा जा चुका है, जबकि अब तक प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमित 8,760 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इस समय राज्य में 3,396 मरीजों का इलाज चल रहा है। होली को लेकर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होली सहित अन्य पर्वों और त्योहारों और पंचायत चुनाव को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से बचाव और इलाज की व्यवस्थाओं को मजबूत करते हुए संक्रमण की स्थिति को रोकने के लिए सभी उपाय सुनिश्चित किए जाएं। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर और शहरों में वार्ड स्तर पर नोडल अधिकारी या कर्मचारी की तैनाती के निर्देश दिए। ये नोडल अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि उनके क्षेत्र में अन्य राज्यों से आने वाले व्यक्तियों की जांच की जाए, संदिग्ध पाए जाने पर आइसोलेशन की व्यवस्था और RT-PCR जांच करते हुए COVID-19 प्रोटोकॉल के अनुसार कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिले में एक एक डेडिकेटेड COVID-19 हॉस्पिटल की उपलब्धता सुनिश्चित हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने बयान में कहा कि कक्षा 1 से 8 तक के सभी परिषदीय एवं निजी विद्यालयों में 24 से 31 मार्च तक होली अवकाश रहेगा। इनके अलावा शेष शिक्षण संस्थानों में जहां पर परीक्षाएं आयोजित नहीं हो रही हैं, ये अवकाश 25 से 31 मार्च 2021 तक होगा। जिन शिक्षण संस्थानों में परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं, उन्हें पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार COVID-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए परीक्षा संपन्न करानी होंगी। इसके साथ ही यूपी सरकार ने पुलिस बल के सभी जवानों की छुट्टियां 25 मार्च से 30 मार्च तक के लिए रद्द कर दी हैं। होली के त्योहार को देखते हुए सरकार ने फैसला लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।